हेलो एवरीवन, रितु खन्ना गुड लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैंने लंच में अपने लिए बनाए हैं जीरा राइस और साथ में सात्विक सब्जी। ये एक बेस्ट लंच है गर्मियों के लिए और ये जो सब्जी है ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत हेल्दी है और इसका जो टेस्ट है काफ़ी शानदार रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो लंच है वो बनकर तैयार है। तो अपना लंच करने के बाद मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप चावल, जिनको मैं धो के भिगो दूँगी। अब मैं आगे की तैयारी करती हूँ सब्जी के लिए। कुकर में मैंने डाला है 1/2 चम्मच जीरा, जिसको मैं ऐसे ही भूनूँगी बिना घी और तेल के। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 300 ग्राम कटी हुई घिया, साथ में कटी हुई हरी मिर्च और कद्दूकस किया हुआ अदरक है। ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, साथ में 1 बड़े टमाटर की प्यूरी है ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मलाई, ये ताज़े दूध की मलाई है। हमने इसमें घी और तेल कुछ नहीं डाला है। बस अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और कुकर को बंद कर देंगे और 2 से 3 विसल में ही हमारी सब्जी तैयार है। अब हम बना रहे हैं जीरा राइस। एक पैन में मैं 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ घी का, साथ में जीरा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। चावलों को हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, अच्छे से मिक्स करके। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी। हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 उबाल आने के बाद चावलों को ढक देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद चावलों को फिर से चेक कर लेंगे और अच्छे से हिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमारे चावल भी बनके तैयार हो रहे हैं, जो कि 5 से 7 मिनट में बनके तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चावल हमारे बन चुके हैं। तो इधर हम अपनी सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी सब्जी बनके तैयार है कितनी आसानी से और कितनी बढ़िया बनी है, कितनी शानदार है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो लंच है वो बनके तैयार हो चुका है, जो कि एक सात्विक लंच है, काफ़ी आसानी से बन गया और बहुत हेल्दी भी है और गर्मियों का एक बेहतरीन लंच है ये। इस तरह से आप हरी सब्जी को इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो और रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। थैंक यू।